Very good morning, student. Now in buyback of equity shares, we are going to see the third question. अच्छा question है student. Question है Spat Limited resolved to buy back 30,000 of its fully paid equity shares of ₹10 each at 20%. मतलब यहाँ पर once again हम लोगों को numbers of shares calculate नहीं करना है कि कितना buyback करो. बायबैक कितना करूं ये नंबर आपको ऑलरेडी उसने दिया हुआ. फॉर दिस पर्पज इट इश्यू 1015% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार. इसके लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने का 15% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 के हिसाब से. द टोटल सम बीइंग पेबल विथ एप्लीकेशन. सारे लोगों ने पेमेंट उनको एप्लीकेशन के साथ दे दिया. The company used ₹85,000 of its balance in security premium. यहां पर एक तरीके से उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट करके रखा है कि फ्रेश इशू के बाद अगर आपको बायबैक करने के लिए फंड का जरूरत होगा तो बाकी रिजर्व में से यूज करने से पहले 85,000 आपने कहां से यूज करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से. अगर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होता तो हमारे पास जो दूसरे रिजर्व है जहां पे सफिशियंट अमाउंट होता जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व तो जहां पर हमारे पास सफिशियंट हम एक स्ट्रोक वहीं से ले लेते. लेकिन यहां पर इसने इंस्ट्रक्ट किया है आपको कि बायबैक के लिए 85,000 आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना तो एक तरह से हमारे लिए मैंडेटरी है. ऑफ इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अपार्ट ऑफ इट्स सफिशियंट बैलेंस इन जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व में वी हैव मच अमाउंट सफिशियंट है फिर भी 85,000 आपको वहां से यूज करना है. टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग बायबैक पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स. अब मैंने बताया कि स्टूडेंट एज यूजुअल एवरी क्वेश्चन में ये हम लोग चार्ट एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे. ये कोई फॉर्मूला नहीं है. मैंने क्या लिखा है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. मैंने लिखा कि इक्विटी शेयर के लिए अरेंज कहां से करोगे तो फ्रेश इश्यू करूंगा. कम पड़ेगा तो पैसे कहां से लूंगा डिविजिबल मीन सिर्फ यही दो सोर्स है जहां से मैं बायबैक कर सकता हूं. प्रीमियम ऑन बायबैक अगर आप अपनी इक्विटी को प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो तो उसको कहां से पेमेंट करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे. सिक्योरिटी प्रीमियम में एग्जिस्टिंग भी हो सकता है नया फ्रेश इश्यू भी करके ला सकते हो और कम पड़ेगा तो कहां से लोगे आप डिविजिबल से. चलो तो इसने जैसे इंस्ट्रक्ट किया है नंबर ऑफ शेयर 30,000 शेयर्स है कितने रुपीज से 30,000 शेयर्स 10 रुपीज से तो हम बायबैक करने वाले हैं 3 लाख रुपीज का. इसने बताया कि किस तरीके से 20% के प्रीमियम पर 3 लाख के ऊपर 20% विच इज 60,000. अभी 3 लाख रुपीज कहां से दोगे फ्रेश इश्यू और डिविजिबल से. फ्रेश इश्यू में इसने क्या बोला 15% प्रेफरेंस शेयर 1,000 15% प्रेफरेंस शेयर 1,000 शेयर्स 100 रुपीज से ये हो गया 1 लाख. क्या बोला उन्होंने एट पार मतलब जो मैं फ्रेश इशू कर रहा हूं उस पर कोई प्रीमियम मिलने वाला नहीं. अभी तक इस चार्ट का ये मतलब हुआ कि 3 लाख रुपीज का मुझे बायबैक करना है. कहां से करोगे फ्रेश इशू से डिविजिबल से. फ्रेश इशू का इंस्ट्रक्शन दिया कि 1 लाख रुपीज मैं रेज करूंगा फ्रेश इशू से तो 2 लाख रुपीज मुझे डिविजिबल से चाहिए. अब वो 2 लाख रुपीज मैं जनरल रिजर्व से ले लेता क्योंकि इसने बोला है वी हैव सफिशियंट फंड इन जनरल रिजर्व बट उसने इंस्ट्रक्ट किया है कि 85,000 आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है. इनके पास 85,000 रुपीज है वहां से लेना शेयर्स प्रीमियम से.
जब मैं 85 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लूंगा तो मुझे कम कितना पड़ेगा स्टूडेंट, तो 1,50,000 कम पड़ेगा। बाकी के लिए बोला कि आप जनरल रिजर्व से ले लो। प्रीमियम का कितना 60, सिक्योरिटी प्रीमियम 85 था, 85 यूज हो गया। अगर यूज नहीं हुआ रहता तब मैं ये 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से देता, बट सिक्योरिटी प्रीमियम में 85 था, 85,000 फॉर इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम, 85 उसने यूज कर लिया, फ्रेश इश्यू के अंदर प्रीमियम मिला नहीं, मतलब ये हो गया डी। अब ये 85,000 मैं कहां से यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा जनरल रिजर्व से, बस इतना ही मेरे पास, सॉरी 60,000 ये प्रीमियम कितना है 60,000। तो एक तरीके से मैं बोलूं सुन, तो यहां पर हमारा चार्ट ड्रॉ हो गया, 3 लाख रुपीस का बायबैक, 1 लाख फ्रेश इश्यू से, 2 लाख रुपीस का जरूरत पड़ा, 85 में किससे लूंगा शेयर्स प्रीमियम से, 1,15,000 जनरल रिजर्व से लूंगा। प्रीमियम का 60,000, प्रीमियम में पैसा नहीं, अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम से यूज कर रहा, 60,000 कहां से डिविजिबल प्रॉफिट। ओके चलो अब एज यूजुअल जर्नल करते हैं। जर्नल में सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, देन फिर हम लोग क्या करते हैं फ्रेश इशू है, फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब स्टूडेंट मैं फ्रेश इशू करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आएगा कैश, तो एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बैंक 1,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट पार। हमने 1,000 15% प्रेफरेंस शेयर 100 के हिसाब से क्या किया इश्यू किया। फ्रेश इश्यू के बाद नई एंट्री हम लोग करते हैं स्टूडेंट बायबैक ड्यू का एंट्री। बायबैक ड्यू कि हम कहां से बायबैक करें, सॉरी बायबैक ड्यू मतलब हम लोग बायबैक जो कैपिटल्स है वो कैपिटल को हम लोग कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो 3 लाख रुपीज का मैं बायबैक आज करने का सोच रहा हूं तो ये पैसा मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से लिया था, मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस था, लाइबिलिटी था, आज देने का सोच रहा हूं, तो डेबिट। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेट 30 × 3, 3 लाख प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख के ऊपर 20% टू इक्विटी शेयर्स होल्डर 3,60,000। नरेशन इज बीइंग इक्विटी शेयर्स कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, ये पैसा लाइबिलिटी क्रेडिट में था, आज मैं बायबैक करने जा रहा हूं तो डेबिट हो गया और नया लाइबिलिटी क्रिएट होगा,
इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर थ्री, अब ये प्रीमियम और बायबैक जो हमारे लिए लॉस है, डेबिट है, उसको हमको इलिमिनेट करना है, अपने बुक से निकालना है। तो अपने बुक से निकालना है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये पैसे मैंने कहां से एडजस्ट किया, जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वहां से मुझे पैसे अभी एडजस्ट करना है तो उसको क्या करूंगा, डेबिट। तो एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। फ्रेश इश्यू हो गया, बायबैक ड्यू, मीटिंग द प्रीमियम, इसको हम लोग बोलेंगे मीटिंग द प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा कहां से एडजस्ट किया, जनरल रिजर्व से। नेक्स्ट पेमेंट, हम लोग किसको पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। थ्री लैख 60,000 बैंक पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। लास्ट ट्रांसफर टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व स्टूडेंट नॉन डिविजिबल होता है, उसको शेयर होल्डर, उसको प्रमोटर कंपनी कहीं पर यूज करने के लिए फ्री नहीं है। तो यहां पर हम लोग जब आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल को रिडीम करते हैं तो वहां पर क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड फील करता है अपने आप को, कि चलो आपका इतना पैसा था तो मैंने इतना पैसा आपको दिया था, बट आप अपनी लायबिलिटी तो कम कर रहे हो, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा आपके पास पैसा तो एज इट इज है। तो उसको सिक्योर करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंट में लेने के लिए हम बोलते हैं डोंट वरी, जितना मैं इंटरनली पेमेंट कर रहा हूं उतना पैसा देखो आपके लिए भी साइड में निकाल कर रख रहा हूं, इसका मैं फ्यूचर में चल के फिर से शेयर कैपिटल इश्यू करूंगा, बोनस में कन्वर्ट करूंगा, एक्सेट्रा। तो मैंने बताया कि जितने पेमेंट को हम लोग प्रॉफिट से देंगे उतना सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमने प्रॉफिट से दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआर 85, 1,15,000, 2,00,000। बींग सीआरआर क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। कि ये सीआरआर कहां से हम लोगों ने क्रिएट किया, तो हम लोगों ने सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व से हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट किया। आई होप स्टूडेंट एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये आपका क्वेश्चन मोर और लेस देखोगे स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस में ये चार्ट आपको, देन सिक्स एंट्री जो फ्रीक्वेंटली आ सकता है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू, बायबैक ड्यू, मीटिंग द प्रीमियम, पेमेंट एंड ट्रांसफर। उल्टा इसमें से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा,
और मैंने बताया कि थोड़ा और आगे जाएंगे तो दे आस्क अ बैलेंस शीट। लिख लो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।